हेलो स्टूडेंट, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मेरे से बहुत सारे प्रश्न पूछे थे। उसमें से जो कॉमन सा प्रश्न था वो ये था कि सर, जब हम लोग एग्जाम में जाते हैं, जब हम लोग एग्जाम में बैठते हैं तो जो भी हम लोग पढ़ के जाते हैं वो भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सलूशन है कि चीज़ें एग्जाम में हम लोग को याद रहे, क्योंकि एग्जाम में तो इम्पोर्टेंस है। हम लोग पढ़ाई क्यों करते, क्योंकि एग्जाम में तो देने के लिए करते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसे इसके सलूशन बताने वाला हूँ, तीन ऐसी गलतियाँ जो आप लोग करते हो, यदि वो गलती नहीं करोगे तो आप लोग एग्जाम में जो पढ़कर जाओगे उसे भूलोगे नहीं। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको तीन वो कौन सी गलती है जो आप करते हो जिसे आपको एग्जाम में नहीं करना है। ऑलमोस्ट एग्जाम आ गया है, करीब है एग्जाम, तो अभी से भी यदि आप लोग वो गलती को इग्नोर करते हो या उस गलती को अवॉइड करते हो तो आपके एग्जाम में आपके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। ये जो प्रॉब्लम है 90% स्टूडेंट के साथ होता है, 10% वो स्टूडेंट जो बहुत ही स्मार्ट होते हैं उनके साथ नहीं होता है। 90% स्टूडेंट सेम गलती करते हैं और इसके लिए उनके साथ प्रॉब्लम भी क्या होता है, सेम होता है। सबसे फर्स्ट गलती, पूरे साल भर तो हम पढ़ाई करते नहीं है। जब एग्जाम के एक दिन पहले रहता है तो मुझे लगता है सब कुछ पढ़ लेना चाहिए, अब नहीं पढ़ेंगे तो फेल हो जाएंगे, या ऐसा लगता है अभी ये छूट गया तो मेरे नंबर कम आ जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं, पूरी रात फुल नाइट स्टडी करना, जो कि एक तरीके से सही नहीं है। आप यदि पूरी रात आप पढ़ाई करते हो, आप अपने माइंड को रेस्ट नहीं दोगे, आप पूरे दिन भर जागे हो, पूरी रात भर पढ़ रहे हो, नेक्स्ट डे आपका एग्जाम है, आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, तो ऐसे टाइम पे क्या होगा, आपका माइंड प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा और चांसेस है कि आप जो चीजें पढ़कर आए हो उसे आप भूल जाओगे। सेकंड, अभी इसी में एक साथ एक गलती और भी हम लोग कर देते हैं, कोई आपका फ्रेंड आपको कुछ क्वेश्चन भेजेगा, बोलेगा ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई आपके टीचर भेजेंगे, कोई व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, आपको लगता है सब क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट है, अरे अभी तक मेरा ये पढ़कर नहीं हुआ। आप हर एक क्वेश्चन को क्या करते हो, फटाफट पढ़ने लगते हो और आप रट्टा मार लेते हो, रात भर जाकर रात भर एफर्ट डाल के रट्टा मार के जाते हो और जैसे एग्जाम में बैठते हो सब ब्लैंक। फिर आप सोचते हो ये क्या हो गया, अरे अभी तो मुझे याद था, अभी ये हो क्या गया, ऐसा आपका रिएक्शन रहेगा और आपको चीजें भूल जाते हो पूरी तरीके से और एग्जाम में आप लिख नहीं पाते हो। तो आपको नाइट नहीं मानना है, एग्जाम से एक दिन पहले आपको 6 घंटे अच्छे से नींद लेकर जाना है। जब आप 365 दिन में नहीं पढ़े तो एक दिन में ये सब पढ़कर होने वाला क्या, एक दिन भी नहीं, 6 घंटे आप नहीं सोओगे तभी उसी 6 घंटे में आपको पढ़ाई होने वाली क्या, तो ये गलती बिल्कुल ना करें। सेकंड मिस्टेक, एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, जैसे एग्जाम हॉल में बैठते हैं हम लोग बुक लेके फटाफट चलो देख लेते, एक बार शुरू से लेके लास्ट तक देख लेते, एक क्वेश्चन देख लेता हूँ, ये पॉइंट बोल रहा हूँ इसे देख लेता हूँ, ऐसी मिस्टेक भी मत करिए। लास्ट मोमेंट पे आपको स्टडी नहीं करना है, आप लास्ट मोमेंट पे स्टडी करके जाओगे तो जो लास्ट में एकदम क्वेश्चन पढ़ के जाओगे ना सिर्फ वही याद रहेगा, इसके पहले आपने इतनी मेहनत करके जो भी आपने पढ़ा कुछ भी आपको याद नहीं रहेगा। तो ये भी गलती आपको नहीं करना, लास्ट मोमेंट पे आपको स्टडी नहीं करना है। लास्ट मोमेंट पे आपको 1 आवर से हाफ आवर्स, आधा घंटा एटलीस्ट अपने आप को पूरी तरीके से रिलैक्स कर दो। आप कुछ भी टेंशन मत लो, कुछ भी मत पढ़ो, जो पढ़ना था पढ़ लिया, जो होना था पढ़कर हो गया, आप रिलैक्स होकर एग्जाम में बैठो। देखो हर एक चीज आपको याद रहेंगे, जो आपने इससे पहले पढ़ के रखा सब याद रहेगा। यदि आप लास्ट मोमेंट पे पढ़ के जाओगे तो सिर्फ लास्ट मोमेंट पे आपने जो पढ़ा है वो याद रहेगा। थर्ड मिस्टेक, एग्जाम में बैठने के बाद बहुत स्ट्रेस लेना, टेंशन लेना, मुझे ये नहीं आ रहा है, अरे मैं ये भूल गया, अभी क्या करूं, अभी मैं लिख नहीं पाऊंगा तो फेल हो जाऊंगा, मेरे कम मार्क्स आएंगे, इस तरीके के स्ट्रेस लेना। आपको स्ट्रेस थोड़ा भी नहीं लेना है, एकदम फ्री रखो, एकदम फ्री रखो। आपको एक क्वेश्चन याद आना है, वो क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर दो, शुरू कर दो, जो याद है जो आपको आ रहा है उसे लिखना शुरू कर दो। बाकी के जो क्वेश्चन रहेंगे ना वो आपका माइंड आपका जो मेमोरी में स्टोर रहेंगे ना धीरे धीरे रिलीज होना आ जाएगा, शुरू हो जाएगा, जो आपने पहले पढ़ के रखा वो चीज़ें आपको याद आने शुरू हो जाएंगी। तो आप जो क्वेश्चन याद नहीं उसको सोचो ही मत, टेंशन ही मत लो। यदि इसके बाद भी आपको लगता है कि पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया, आपका माइंड कुछ नहीं याद आ रहा है, तो आप गहरी सांस लो 3-4 बार एकदम, जिससे आपके ऑक्सीजन जो रहेंगे आपके माइंड में पहुंचेगा, ऑक्सीजन माइंड में पहुंचेगा तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा और चीज़ें आपको याद आने शुरू हो जाएंगी। आप ये 3 टिप्स को फॉलो करो, देखो आपको एग्जाम में भूलने का, आप ऐसा फिर कभी नहीं बोलोगे कि एग्जाम में सब भूल जाता हूँ,
यदि आपको टिप्स अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।